नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज उपचुनाव में रैलियों की भरमार रही, ऐसा लगा मानो 2023 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो रहा हो। एक तरफ कांग्रेस से मुख्यमंत्री गहलोत, अजय माकन, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा एक साथ नजर आए तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से गुलाबचंद कटारिया, सतीश पूनिया नजर आए। लेकिन पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, इन तस्वीरों को जरा देखिए। पहली तस्वीर है 27 फरवरी की और दूसरी है आज की तस्वीर। दोनों में हेलीकॉप्टर है, चारों नेता बैठे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री गहलोत बैठे हैं, सचिन पायलट हैं, अजय माकन हैं, डोटासरा हैं। बाहर से देखने पर बीते 7 महीनों में कांग्रेस में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आता है, लेकिन तस्वीरों में सिर्फ बैठने की जगह में बदलाव के अलावा कुछ भी बदला हुआ दिखाई नहीं देता है। अब आपको दो और तस्वीरें दिखाते हैं, इन तस्वीरों को भी गौर से देखिए। पहली तस्वीर है सितंबर 2018 की और दूसरी है आज की तस्वीर। दोनों में सारथी की भूमिका में सचिन पायलट हैं और साथ में गहलोत हैं। इन तस्वीरों में भी वाहन बदला है, भाव बदले या नहीं बदले ये कह पाना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि क्या इन तस्वीरों के बाद कहा जाए कि राजस्थान कांग्रेस में मतभेद है, मनभेद नहीं, और जो मतभेद खुलकर दिखे थे वो भी अब खत्म हो रहे हैं। और क्या कहा जाए कि जब बात हाथ के निशान की होगी, हाथ की होगी, तो कांग्रेस की अलग अलग अंगुलियां एक साथ दिखाई देंगी हाथ बनाती हुई। या फिर कहा जाए कि फोटो फिल्मी दुनिया की तरह रील पर आधारित है, रियल यानी हकीकत पर नहीं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जहां बाहर से एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश होती है लेकिन अंदर गुटबाजी खुलकर दिख जाती है। तो सवाल यही है कि आज दोनों पार्टियों ने क्या संदेश देने की कोशिश की और क्या जो कांग्रेस की तस्वीर नजर आई, हर कोई पूछ रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाथ के लिए साथ साथ वाला संदेश क्या जमीनी कार्यकर्ताओं तो साफ साफ जाएगा और इसका बीजेपी पर क्या असर नजर आएगा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से विधायक प्रशांत बैरवा जी, बीजेपी से विधायक फूलचंद मीणा जी और राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी। प्रशांत, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। जो तस्वीरें नजर आई वो तस्वीरें कम से कम कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता के लिए सुखद तस्वीर कि जो गुट दिखाई देते थे वो आज एक जुट नजर आए। देखिए, बिल्कुल, मैं तो शुरू से कहना चाहता हूँ कि दोनों मिलके काम करना चाहते हैं। पार्टी के दोनों बड़े लीडर्स हैं, उनकी डिमांड है, चाहे वो माननीय गहलोत साहब हों चाहे पायलट साहब हों, दोनों से ही पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत सारे लीडर हैं, मगर इन दोनों की वैल्यू कुछ अलग ही है। और जो पहले चुनाव में हमने देखने को मिला और आज देखने को मिला, उससे न केवल सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, आई थिंक जो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को, उनके लिए बहुत सुखद खबर भी है। ये एकजुटता मान लीजिए, संघर्ष मान लीजिए, ये हम सब अंदर खाने में हमेशा बोलता है कि अंदर खाने कोई भी लड़ाई हो तो कर लो, मगर बाहर नहीं लड़ना चाहिए कभी भी। और आप देखिए, बाहर दोनों की अहमियत है इसलिए दोनों साथ में बैठे हैं। और मैं आज भी कहता हूँ कि जिस तरह से ये लखीमपुर ही गिरी गए पायलट साहब, वहाँ भाई बॉर्डर पे गिरफ्तार कर ली, किस तरह से देश जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक लीडर की, कांग्रेस की, जो ये जो आवाज़ को जो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए जी। जो हट धर्मिता दिखा रखे हैं, आप बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल फेल कर दिया उनने, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन ये मानकर चलें कि आज जो तस्वीर सामने आई उससे जमीनी कार्यकर्ता तक ये संदेश पहुंचा है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, जब बात हाथ के निशान की होगी सब साथ होंगे। देखिए, हाँ, आपको मालूम है पार्टी में सबको खुश रखना बहुत टिपिकल आस्क रहता है और आई थिंक कोई ना कोई पावर सेंटर को लेके लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते हैं जी। मगर अंदर खाते सब कुछ ठीक है। मैं पहले भी कई बार इंटरव्यू में कहा गया है कि पार्टी को दोनों की ज़रूरत है। और आप देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता इतना, मैंने फेसबुक पर डाला था तो सबने इतने कमेंट्स किए, बहुत सारे कमेंट्स और लाइक्स आए, तो पार्टी देखना चाहती है दोनों
क्रक्स यही है कि पार्टी इन दोनों नेताओं को देखना चाहती है, एक पिता के समान है, एक भाई के समान है। तो मैं समझता हूँ दोनों डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं और राजस्थान के बेहतरी के लिए आई थिंक इनसे बढ़िया कोई लीडर नहीं। ठीक है, SP मित्तल जी, क्या कांग्रेस ये संदेश देने में सफल रही? क्योंकि जब हम हाथ को देखते हैं तो हर उंगली का साइज अलग है, हर उंगली की मोटाई अलग है, अलग अलग देखेंगे तो सब अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन जब हाथ देखेंगे तो फिर सब एक साथ जुड़े हुए नजर आएंगे। क्या कांग्रेस ये संदेश आज एक बार फिर से देने में कामयाब आपको नजर आई? नहीं विजेंद्र जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने एक बार फिर इस बात का प्रयास किया है कि सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो एक ही जाजम पर बैठ सकते हैं, एक मंच पर बैठ सकते हैं, और इस बात की कोशिश की गई जिस तरीके से आज अभी आपने शुरू में अपनी रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से उन्होंने कार चलाई। मतलब एक बार आपको ध्यान हो तो जब पहले जब चुनाव हुए थे तब भी मोटरसाइकिल पर कभी कदम से गहलोत जी वो तस्वीर भी हमने दिखाई है, कार के अंदर आगे बैठते थे, हमने इस तरह के दृश्य देखे जी। लेकिन अभी जो स्थिति सामने आई है उसके अंदर ये लोगों को लगता है कि ये दोनों जन नेता यदि एक होते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन हमने देखा कि जो पिछले दिनों जो चुनाव हुए, तीन उपचुनाव हुए थे, राजसमंद और तीन दो अन्य चुनाव जो हुए थे, उसमें भी ये दृश्य देखने को मिले। लेकिन उसके बाद में राजस्थान में किसी भी सार्वजनिक स्तर पर हमने ये नहीं देखा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ किसी मंच पे आए हों। मेरा ये मानना है कि जब चुनाव आता है तभी शायद इनकी एकजुटता नजर आती है, और जब चुनाव संपन्न हो जाता है उसके बाद शायद दोनों की डिमांडें अपनी अपनी जगह रहती है। हो सकता है इस बार शायद ऐसा न हो, क्योंकि राजस्थान में अभी दो साल बाद ही क्या नाम से चुनाव होने जा रहे हैं जी। तो ऐसी स्थिति के अंदर आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा कि ये एकजुटता कितनी और कांग्रेस के लिए कितनी सुखद होती है। लेकिन SP मित्तल जी मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा सर, इसको समझना भी चाहूंगा, क्योंकि सचिन पायलट कोई प्रदेश अध्यक्ष तो है नहीं, वर्तमान स्थिति में कोई मंत्री भी नहीं है, वो विधायक है तो विधायक के तौर पर प्रारंभिक जिम्मेदारी टोंक की है, इसके अलावा आलाकमान जो भी जिम्मेदारी उनको देता है उनको निभाना उनकी जिम्मेदारी है, ना कि मुख्यमंत्री के साथ हर वक्त दिखाई देना। आगे के वक्त में अगर वो ना भी दिखाई दे और कांग्रेस में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे तो इसका क्या ये मतलब निकाला जाएगा कि एक बार फिर से दोनों में गुटबाजी है? नहीं विजेंद्र जी, मैं मेरा ऐसा मानना है कि जो सचिन पायलट का जो जो राजनीतिक कद है वो कोई एमए विधायक का कद नहीं है जी। वो एक राज्य स्तर के अपने नेता है, और हमने देखा कि जब 2018 के जो दिसंबर में जब चुनाव हुआ था तो जो फेस आगे रखे गए थे वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के रखे गए थे, उस टाइम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ही थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरा ये मानना है कि सचिन पायलट को तो आपको बराबर ही मानना पड़ेगा कि यदि राजस्थान में कांग्रेस को जीतना है तो अशोक गहलोत को सचिन पायलट को अपने साथ रखना होगा जी। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। फूल सिंह मीणा जी, कांग्रेस कम से कम बाहर से एकजुट दिखाई दे रही है, बीजेपी बार बार ये कहती रही कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, बार बार ये कहती रही कि ये अलग अलग नाव में सवार होने वाले एक साथ दिखाई दे रहे हैं, आज फिर देखिए एक ही हेलीकॉप्टर पर दिखाई दिए, एक ही गाड़ी में दिखाई दिए। सोलंकी साहब, वो हाथी के दांत वाली कहावत उजागर हो रही है जी, दिखाने के अलग है और खाने के अलग है। इनके विधानसभा में जो हमारा जो हाउस चलता है वहां पर सचिन जी और गहलोत जी एक मन मतलब साथ नहीं बैठ पाए, और सचिन जी के साथ में क्या किया आप खुद देख रहे हो, जो आगे की लाइन में थे वो पीछे की लाइन में धकेल दिया, और जो इस एक चेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम से चुनाव जीता और उनको हमारे सारे एरिया में पूरे राजस्थान में ये था कि भाई सचिन पायलट हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है, और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उप मुख्यमंत्री में करा दिया उसको, और फिर उप मुख्यमंत्री से भी हटाकर उसको बिल्कुल बैकफुट पर ला दिया जी। अब आज देखिए ना, इतना कुछ होने के बाद भी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, सरकार चलाने की उर्जिंग मीणा जी वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। चलिए आप ही बताइए बीजेपी में 2023 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? एक साथ है तो जी, हमारा कमल का फूल मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, हमारे कोई गुटबाजी नहीं है, और हमारे इस चुनाव उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मतों से जीतकर विजय हासिल करेगी और आने वाला 2013 के लिए नीम का पत्थर साबित होगी।
कोई नीम का पत्ता साबित नहीं हो। पहले अपने अपने एक मंच पे इकट्ठे तो करो, आप अपने नेताओं को एक मंच में इकट्ठा तो करो। कांग्रेस की छोड़ो, कांग्रेस क्या कर रही है, अपने खुद की पार्टी की बात करो ना। आपके मंच जी देखो, आपके आपके देखो, वसुंधरा जी कहाँ हैं आपके? परिवार के अलावा, अरे एक परिवार के अलावा दूसरा आपको नजर ही नहीं आ रहा? एक परिवार का आज मुख्यमंत्री जी के मंच के ऊपर कितने आदमी थे और किस परिवार से थे? एक ही परिवार के दो दो तीन तीन आदमी दूसरे कद्दावर नेता एक मंच पे लाए ना। बीजेपी वाले तो बरगलाने की कोशिश की परिवार को तोड़ने की, तो लोगों को दिखा रहे हैं कि हम एक हैं। एक मंच में सारे के सारे लोगों को दिखाने की बात करिए। बीजेपी के आप तो लुभाते हो, छोड़ दो के अंदर है। मंच पे दिखाने की बात यह है कि सारे के सारे नेता एकजुट है कांग्रेस के, एक मंच पे बैठे हैं। आपके मंच में जो 10 मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो कहाँ है वो दिखाओ। वसुंधरा जी को बुलाओ, कहाँ है वसुंधरा जी? वसुंधरा जी को तो पोस्टर से गायब कर दिया आपने, जो वास्तव में वसुंधरा जी को पोस्टर से गायब कर दिया आपने। कहाँ है तो लाओ मंच पे, कैंपेन करो आप कैंपेन करो, लाओ एक मंच पे। वसुंधरा जी हमारी आप क्या करोगे? हमारा परिवार तो एक है, साथ थे। लेकिन फिर ये भी बताइए उस मीटिंग से गुलाबचंद कटारिया जी गायब क्यों थे, ये भी बताइए। फिर ये भी बताइए कि जो भिंडर मिलके जाते हैं सह परिवार और टिकट की दावेदारी जताते हैं उनको टिकट क्यों नहीं मिलता? ये भी बताइए फिर कि उदयलाल मीणा जिनको नेता प्रतिपक्ष के करीबी माने जाते हैं वो फिर दूसरी पार्टी से क्यों चुनाव लड़ते हैं, ये भी बताइए सर। देखो हमारा कार्यकर्ता है और उसको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है तो उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। घर तो घर ही होता है और पराया घर पराया घर होता है। भूल भटके अगर कहीं सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो कोई भूला नहीं होता है। अभी आगे रहना बड़ी है, अभी भूला है नहीं ना। सभी तो बगावत होती है। प्रथम पंक्ति के नेता उसको समझाने में लगे हुए हैं। फूल सिंह मीणा जी अगर क्या लोग बगावत और बीजेपी के अंदर हो तो घर का भूला वापस आ जाए तो गलत नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा सर? हाँ जी, अगर बीजेपी से कोई गलती करके बाहर निकल जाए बगावत कर दे, देखो ऐसा है कि कहीं ना कहीं उनका मन में टेस्ट पहुंची है तो वो उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी प्रलोभन भी दे रहे हैं कुछ? नहीं नहीं, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे उदयलाल जी डांगी हो और चाहे कन्हैयालाल जी मीणा हो जी, हमारे पार्टी के अंदर जो वास्तव में पार्टी के अंदर रहकर जो अपना वजूद जमता है और कौन में रहा है? वसुंधरा जी समझा रही है कि पुणे जी समझा रहे हैं कि कटारिया जी समझा रहे हैं? पार्टी में ही कर सकता है। इनको समझा कौन रहा है वो तो बताइए। कटारिया जी समझा रहे हैं कि वसुंधरा जी समझा रही है कि आपके अध्यक्ष समझा रहे हैं? कौन समझा रहा है इनको ये तो बताइए। अभी कटारिया जी समझा रहे हैं उनको? हमारे भारतीय वसुंधरा जी गायब है जो अध्यक्ष है समझा रहे हो प्रलोभन दे रहे हो वो तो बताइए। फूल सिंह जी माना कि आप धनंजय की पार्टी है आपकी, किसी को जिम्मेदारी दी है वो करेंगे कर रहे हैं जी। आपके नेता प्रतिपक्ष की तो बात मानी नहीं जा रही पार्टी में, जो आपकी आवाज उठाते हैं इस हाउस के अंदर, ठीक है आपके हाउस में जो आवाज उठाते हैं उनकी तो बात नीति के दांव पे जानते हैं। जरा बताइए अगर मना लिया गया तो वो कौन कौन से आश्वासन हो सकते हैं जिनके दम पर मना लिया जाएगा? दो बार विधायक का टिकट दिया और विजय हासिल करके राजस्थान की सरकार में बैठा हूं। मेरे पास में कोई धनवान नहीं हूं ना मैं पैसे वाला हूं, मगर पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में टिकट दिया है और मेरे को भी दिया, वैसे ही कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है एसपी मित्तल साहब, क्या वाकई में आपको लगता है कि इस चुनाव में एक तरफ कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश दिया और दूसरी तरफ बीजेपी ने वो संदेश देने की कोशिश करने की कोशिश भी नहीं की और इसीलिए वल्लभ नगर में भी दिखाई दिया और इसीलिए धरियावद में भी दिखाई दिया कि पर्चे दाखिल हुए, खुलकर बगावत हुई? पब्लिक मीटिंग तक नहीं हुई ऑर्गेनाइज हुई इनकी, इनके लीडर्स गायब थे। दिव्या कुमार जी की फोटो दिखा रहे हैं वहां पे। एसपी मित्तल जी अरे आप रे गहलोत जी आए नया 12 बजे तक आपका मंच खाली था, आज जो वो तो कहीं ना कहीं से आपने एडजस्ट करके और भीड़ इकट्ठी कर ली, ये बोलकर नहीं है कहीं ना कहीं करके जीत भी इकट्ठी कर लेंगे। आदमी इकट्ठे करके और गहलोत जी के फूल सिंह मीणा जी वापस मैं आपके पास आऊंगा सर, वापस आऊंगा। एसपी मित्तल जी को सुन लीजिए सर, कोई ज्ञान की बात करेंगे पार्टी के हित में भी होगी।
वो एक वरिष्ठ विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, कुछ बेहतर ही कहेंगे। एसपी मित्तल साहब, विजेंद्र जी आज, हाँ विजेंद्र जी, आज जो बल्लभ नगर में जो चुनाव सभा हुई कांग्रेस की, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्वयं ने ये बात कहा कि यहाँ से टिकट 4-5 लोगों ने मांगा था, लेकिन टिकट एक ही को मिलता है, बाकी लोगों को मनाने की कोशिश की जाती है। तो जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है वो कांग्रेस में भी, इसको सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री ने मन से स्वीकार किया है। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में स्थिति आई है वो शायद अभी नामांकन के समय में उनकी एकजुटता नजर नहीं आ रही होगी। हो सकता है वो इस बात की कोशिश कर रहे हो कि उनका क्या नाम से नामांकन वापस हो जाए, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो एकजुटता इन चुनाव उपचुनाव में दिखानी चाहिए थी वैसी इन उपचुनाव में दिखाई नहीं दी है। ठीक है प्रशांत, ये तो राहत की खबर है क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस पर ही सवाल उठ रहे थे कि कई गुटों के अंदर बटी हुई है, अलग अलग बयान आते थे, हालांकि बयान तो अभी भी आ रहे हैं, लेकिन कम से कम फोटो के जरिए सब एक साथ दिखाई तो दे रहे हैं। देखिए मैं आपको पहले बताऊं, चुनाव चुनाव होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, और ये जो चुनाव है बाय इलेक्शन का, ये सरकार के कामकाजों से लेके शक्तावत परिवार के लीगेसी को लेके, आई थिंक बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, आप ये मत समझिए, और ये चैलेंजिंग हमेशा रहेगा। आपको मालूम है जब सरकारें गिरती है तो 1-2% वोट ऑफ स्विंग पे सरकारें गिर जाती हैं, तो ये तो ईजी तो है नहीं। हाँ ये जरूर है कि हमारे नेता ज़्यादा फोकस हैं, उनको अभी हमारा जज्बा है, आगे चुनाव हमको और लड़ना है 2023 के अंदर, विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तो हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे रघु शर्मा जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है दूसरे स्टेट की, भंवर साहब को स्टेट यूपी स्टेट की दी है जिम्मेदारी दी, हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से अलायंसों को लेके एकजुट होके आगे, जो इतना महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल बढ़ रहे हैं, डीजल बढ़ रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। और डेमोक्रेसी के अंदर आवाज़ रखने का सबका अधिकार है। आप देखिए पीढ़ी पक्ष लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा, हमारे नेताओं को नहीं मिलने दिया जा रहा, इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती डेमोक्रेसी। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, इस तरीके के फोटो जब सामने आते हैं तो मकसद क्या होता है? ये मकसद होता है कि सब एक साथ है, या मकसद होता है कि बताया जाए कि देखिए फोटो में कम से कम एक साथ है? देखिए आप कुछ चेहरे देख लीजिए, कोई रोते पिलकते चेहरे नहीं दिखेंगे आपको, खुशहाल दिखेंगे, और हम चाहते हैं कि सब मिलकर काम करें। देखिए दोनों, हम मैं ये नहीं कहता कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हिसाब से ही राजस्थान चल रहा है, हमारी पार्टी में छोटे बड़े सारे नेता हैं और सबको मिला के पार्टी बनती है, पार्टी से नेता बनते, नेताओं से कभी पार्टी नहीं बनती, मेरा ये मानना है। और हम सब लोग एकजुट होना चाह रहे हैं मान लीजिए, और काम करना चाह रहे हो, तो उसमें दिक्कत क्यों आ रही है? और कोशिश हमारे यहाँ कोई बड़ी लड़ाई नहीं है बीजेपी की तरह, वहाँ 8-8 लोगों चेहरे हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई थे, हमारे यहाँ नहीं है। हमारा सो कॉल्ड है वो टू वे सिस्टम है, अगर दो तरह की लड़ाई है तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, और मीडिया देखता ही है, बताता भी है, मगर ज़्यादा जो झगड़ा जो है, क्योंकि पॉलिटिक्स करना आसान काम नहीं है, झगड़े तो होते ही हैं और क्लैशेज होती हैं, किसी छोटी छोटी बातों को लेके भी हो जाती हैं, कई बार बड़ी बातों को लेके भी हो जाती है, पावर सेंटर को लेके भी हो जाती हैं। तो हमारी जो पार्टी है अभी एकजुट है वर्तमान में, चाहे बीजेपी के खिलाफ हम लोग सब एक हैं। ये शब्द आपने एक अच्छा इस्तेमाल किया कि वर्तमान में, भविष्य का पता नहीं कि क्या होगा, ये आपने एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। बिल्कुल क्यों नहीं, पॉलिटिक्स वर्तमान में बने रहने की पॉलिटिक्स होती है कि वर्तमान में कैसे पावर में। भूल सिंह मीणा जी माने कि सर जो अलग अलग टुकड़े दिखाई दिए, क्योंकि सर वोटों के जरिए चुनाव जीता जाता है, और वोटों में अगर बिखराव आएगा, फिर चाहे वल्लभनगर में हो, दरियावद में हो, तो बिखराव दिखाई देगा, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि पोस्टर पर कौन है या नहीं, इससे तो फर्क पड़ेगा कि जमीन पर कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है कौन नहीं। सोलंकी साहब आपने सही बताया, और इन ये भी मान गए हैं कि ये आज हमें मंच पर एक दिख रहे हैं, मगर अंदर ये कुंठा भर के बैठे हैं। और ये जो उपचुनाव को लेकर इन्होंने आप छोड़ दीजिए हमारे पे, आप तो अपने बीजेपी वाले मुख्यमंत्री कौन को चेहरा होगा उस पे लड़ाई लड़ी है पहले, एक जगह तो ये विकास का इकट्ठे हो, पहले विकास बहुत किया हमारे, कोरोना काम में जो सौतेला व्यवहार केंद्र की सरकार ने हमारे राजस्थान सरकार को किया है वो बहुत ही निंदनीय है। आप पूरी मशीनरी को वहाँ पर लगा दिया, मशीनरी का लगा है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हो और चाहे किसी का नाम उड़ाना हो, आप क्या सो रहे थे क्या? विकास का आप सो रहे थे क्या? आप प्रोटेस्ट करते कर, अगर जो गलत काम कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट करते हैं ना, का प्रयास किया सो रहे थे, उसका नतीजा जनता बता रही है, तो प्रोटेस्ट करते हैं ना आप, गलतियां क्यों, विपक्ष की भूमिका तो निभाई है, काम तो सामने दिख रहा है, डीएमएफ अगर राजस्थान सरकार कुछ गलती कर रही है तो आप फंड का रिएक्ट तो करिए, वहां पर विधानसभा में रिएक्ट तो करो,
एक ही विधानसभा जीतती है क्या? दूसरे सबसे आसान काम होता है आरोप लगाना, जो आप लगा रहे हैं उसके अलावा कुछ आता नहीं आपको। आप पूरा बजट आपको आता नहीं है, दे दिया। जो बजट भाषण में घोषणा हुई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण कही है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हाईवे हो, तो सबको जो जिनको एसडीएम का कार्यालय हो, पंचायत समिति हो, सबको दिया है। आप पूछो जोगेश यादव से पूछ लीजिए, बीजेपी की पूछो क्या मिला नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला क्या? फूल सिंह मीणा जी आप ये कह रहे हैं कि सर आपकी विधानसभा क्षेत्र में एक रुपया भी नहीं दिया गया। हाँ जी सर, ये तो आपकी नाकामी हुई है। ये जाते नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री से मांग के तो देखिए एक बार, वो इंसान तो कभी राजस्थान के बेहतर के लिए लगा रहता है। आप मांग के देखिए मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं देंगे आपको, राजेंद्र राठौड़ जी क्यों लाते हैं फिर, राजेंद्र राठौड़ जी क्यों दे दिया आप फंड का, घर से आपको क्यों दे दिया, यहाँ पे एरिया से ले जाकर आप दूसरी जगह लगा रहे हो। राजस्थान एक राजस्थान एक जिले का नहीं है महाराज, नजर से देखना चाहिए महोदय, राजस्थान एक जिले का नहीं है, राजस्थान पूरा राजस्थान है, 33 जिले आते हैं, कितने जिले साल। फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, क्या ये माना जाए कि इन फोटो के जरिए कांग्रेस ने कम से कम इस चुनाव में शुरुआती बढ़त बना ली है, एकजुटता के मायने से ही सही, हाँ या ना सर? हाँ नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि क्या नाम से कांग्रेस ने इस बात को दिखाने का प्रयास किया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो है वो एक मंच पर है। लेकिन जनता जी मैं एक सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा कि हमने देखा कार के अंदर दोनों जने एक साथ थे, लेकिन जब मंच पे हमने देखा तो उनके बीच में अजय माकन साहब बैठे थे। तो मतलब जो कुर्सियां लगाई गई वो इस तरीके से लगाई गई कि सचिन पायलट मंच पर, सार्वजनिक मंच पर जो कुर्सी लगाई गई वो इस तरह की लगाई गई कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ न बैठे, उनके बीच में अजय माकन साहब को बिठाया गया। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फूल सिंह जी आपका भी शुक्रिया, प्रशांत आपका भी शुक्रिया। राजनीति में मतभेद हो सकता है, पार्टियों के अंदर भी हो सकता है, पार्टियों के बाहर भी हो सकता है, और पार्टी पार्टी में भी हो सकता है। मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतभेद से विकास होता है और मनभेद से कलह पैदा होती है। नमस्कार।